नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में बात करेंगे जेपी पावर, जहां पे दोस्तों आपको इसका लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट दिख रहा है और वहां पे आपको दिख सकता है कि यहां पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्राइस था एक ज़माने में 2008 में, बट उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई और वेथ डिस्ट्रॉयर बन चुका है ये स्टॉक। बट अब डिस्कस करने के पीछे का रीज़न क्या है तो मैं आपके लिए चार्ट जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे आप 100% का जो रिट्रेसमेंट है वो जान 2018 में बना था और जो लो बना था हमारा 27 मार्च, जो कोविड का पैनिक था, उसको दोस्तों 61.8% का रिट्रेसमेंट 6.45 पहले दोस्तों तोड़ नहीं पाया वीकली चार्ट के ऊपर। जून जुलाई में कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोस्तों यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही तोड़ा दोस्तों, आप मेरी चैनल में अगर पहले से ज्वाइंट हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एंट्री की थी और फिर यहाँ पे एग्जिट भी हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमें शॉर्ट टर्म में क्विक रिटर्न मिल गया था। तो अब दोबारा क्यों ये स्टॉक को डिस्कस करना है, जेपी पावर को? तो यहाँ पे आप देखिए कि जेपी पावर ने सपोर्ट लिया था पहले अप्रैल 2022 को, तब लो बनाया था 645, जो हमारा लेवल है सटीक वहीं पे बनाया था और आज भी क्लोजिंग आया है 645 का और कंटिन्यूस 8 रुपये के आसपास से कंटिन्यूस गिरावट हुई थी। तो क्या यहाँ पे तेज़ी बनेगी कि नहीं, तो यहाँ पे आप एक बार समझ लो दोस्तों, लास्ट टाइम ऐसे 2-3 कैंडल बने थे और फिर जब रेजिस्टेंस को तोड़ा फिर वॉल्यूम बना था। अभी यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट आया नहीं है उस लेवल का, दोबारा एक बार लेवल ब्रेकआउट के साथ आए दोस्तों और वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है, अगर वॉल्यूम के साथ बढ़ जाए तो फिर आपको ज़बरदस्त मोमेंटम मिल सकता है, एक नया ब्रेकआउट दोबारा हमें मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्या यहाँ पे फंडामेंटल इसको शो कर सकते हैं कि नहीं, उसको समझने की कोशिश करते। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो दोस्तों 3.30% की गिरावट है और एक मंथ के अंदर 16% के आसपास की गिरावट है। 6 मंथ के अंदर 49.31% का दोस्तों अपसाइड है और एक साल के अंदर 63.71% है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों वेल्थ रिस्टोर स्टॉक ही है। जयप्रकाश वेंचर का दोस्तों अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट है तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ था और यहाँ पे 107 का प्रॉफिट भी आया था। अब नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में अगर बूम आता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वापस से हमें 10 रुपये का यहाँ पे प्राइजिंग मिल सकता है देखने को लिए दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2020 में जो सेल्स था और 21 में जो सेल्स था वो स्टेग्नेंट था, बट 2019 में जो सेल था वहाँ से दोस्तों अब वापस से दोस्तों अच्छा हो रहा है, तो इस साल में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और दोस्तों आप सबको पता है जेपी पावर यानी कि अभी पावर स्टॉक्स डिमांड में है, पावर डिमांड में है तो वो ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डाल देते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर ने बेच दिया है माल दोस्तों, 26.02% का होल्डिंग था, अब 24% का होल्डिंग है। FII ने बाई किया है 1.20% का होल्डिंग किया और कंटिन्यूस FII बाई कर रहा है दोस्तों। DII के पास माल 23.12% है और पब्लिक के पास माल है 51.68%। वहाँ पे अगर बड़े खिलाड़ी का नाम देखा जाए तो मिस्टर नरेंद्र चंदेर है, उनके पास 5.02 होल्डिंग है, वो यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट है तो उनके पास होल्डिंग बिल्कुल ठीक है। JSW एनर्जी, उन्होंने अपने होल्डिंग बेच दिए हैं और महाबद्रा कंस्ट्रक्शन है, उनके पास 1.74% का होल्डिंग है। बाकी जो JP डेवलपमेंट और क्लीन कैपिटल पार्टनर्स, उन्होंने अपने होल्डिंग बेच दिए हैं। अगर बात करें दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के हाथ की तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के पास अगर देखा जाए तो 15 लाख से भी ज़्यादा स्टॉक्स है जेपी पावर के और यहाँ पे 20.64% की दोस्तों यहाँ पे आपको दिख सकता है, बिल्कुल क्लियर आपको आइडिया आ सकता है कि 20.64% का स्टेक है और 1,68,894 का होल्डिंग है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख और वहाँ पे 20.75 है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों 41% के आसपास का होल्डिंग पब्लिक के हाथों में ही है और रिटेल शेयर होल्डर के हाथों में है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। बट दोस्तों जैसे ही हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया तो यहाँ पे जो कॉल स्ट्रेटेजी बनेगी वो हाई रिस्क
रहेगा और हाई रिवॉर्ड रहेगा दोस्तों, लो रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा है। जब भी पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा होती है, जब भी ऐसे ऊपर आएगा स्टॉक तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, ये जोन जब भी आएगा दोस्तों तो सप्लाई आपको अपने आप मिलने लगेगी दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको लेना चाहिए, और आपको फिर यहाँ पे दोस्तों आगे आके अगर ये यहाँ जब तक ये 10 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक दोस्तों हेडेक रहेगा। एक बार इस लेवल को तोड़ दिया वॉल्यूम के साथ फिर तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, बट सतर्क होकर यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स के हिसाब से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और इक्विटी डिलीवरी दोस्तों वहाँ पे फ्री है, और ट्रेडिंग के लिए भी दोस्तों बहुत ही नॉमिनल चार्ज है दोस्तों, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का चार्ज है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे ब्रोकरेज में सेव हो मिल सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।